आज हम कहानी सुनेंगे टीटू और चिंकी की। टीटू और चिंकी यह डॉक्टर विमला भंडारी लिखित कहानी है। डॉक्टर विमला भंडारी यह बाल साहित्यकार है तथा सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी है। इस कहानी के माध्यम से यह सीख मिलती है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए और संकट के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं टीटू और चिंकी की कहानी के। क्या कहा, टीटू और चिंकी कौन थे? टीटू एक गिलहरी है और चिंकी एक चिड़िया है। टीटू और चिंकी दोनों पड़ोसी थी। टीटू और चिंकी दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे। टीटू का घर पेड़ के खोखल में था तो चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर था। जब चिंकी चिड़िया दाना चुगने जाया करती थी तब टीटू गिलहरी सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। एक दिन चिंकी चिड़िया और टीटू गिलहरी के बच्चे आपस में झगड़ने लगे और झगड़ा इस बात पर हो रहा था कि पेड़ किसका है। टीटू के बच्चों का यह कहना था कि चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं, हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया कि तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। तभी टीटू के बच्चों ने जवाब दिया कि इस पेड़ की खोखल में हमारा जन्म हुआ है, पेड़ का तना हमारा तो पेड़ हमारा। यह बात सुनते ही चिंकी के बच्चे फुर से उड़कर पेड़ की शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे कि इस पेड़ की शाखाओं पर हमारा बसेरा है, जिस पर हमारा नीड बना हुआ है और इसी में हमने आंखें खोली। हम तुम्हें शाखाओं तक नहीं आने देंगे और ना ही फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह बात सुनकर बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी बच्चों को समझाने लगी। उसने बच्चों से कहा कि बच्चों, बात उस समय की है कि जब तुम में से किसी का जन्म भी नहीं हुआ था। चिंकी को अंडे दिए अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अचानक अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी। डर के कारण चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि तेज हवाओं के कारण शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे हुए अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तभी चिंकी और टीटू दोनों ने मिलकर अंडे खोखल में रख दिए। कुछ ही देर में जोरदार वर्षा होने लगी। पानी इतना बरसने लगा कि वह पेड़ पर भी बहने लगा। दोनों को डर था कि पानी बच्चे और अंडे दोनों को बहा ले जाएगा, इसलिए उन्होंने बच्चों और अंडों को घोंसले में रख दिया। लेकिन वर्षा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी टीटू और चिंकी दोनों ने मिलकर पत्तों से घोंसलों को ढक दिया। पो फटने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और तभी से वह अच्छे पड़ोसियों की तरह एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बच्चों का यह कहना था कि चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ देना चाहिए। उधर चिंकी के बच्चे भी अपनी माँ से यही बात दोहरा रहे थे। दोनों माताएं अपने बच्चे को समझा समझा कर थक गई, लेकिन बच्चों ने एक नहीं सुने। बच्चे अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में
टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का अपने मन में विचार बना लिया था। उधर बहुत देर से बिल में छुपा वासा यह तमाशा देख रहा था। आज मौका पाकर वह बाहर निकला। उसने सोचा वह पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। यह सोचकर सांप पेड़ पर चढ़ने लगा। चिंकी चिड़िया यह देखते ही जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप पेड़ पर चढ़ रहा है, अपने बच्चों को बचाना। यह कहकर चिंकी चिड़िया पेड़ के तने पर अपनी चोंच से चोट करने लगी। पेड़ के तने से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। गाढ़े चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल हो रहा था। उधर चिंकी के बच्चे भी अपनी माँ की मदद करने लगे। इधर टीटू ने अपने बच्चों को चिंकी के घोंसले में सुरक्षित रख दिया था। चिंकी के बच्चों की चोंचें हालांकि नरम थी, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ की सहायता कर रहे थे। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल हो रहा था। सांप थक हार कर वापस लौट गया। आज टीटू और चिंकी दोनों के बच्चों ने यह देख लिया था कि एकता की ताकत बहुत बड़ी होती है, और उन्होंने यह भी समझ लिया था कि पड़ोसी धर्म को कैसे निभाना है। अब उन्हें अपने माताओं की समझाने की आवश्यकता नहीं थी। वह समझ गए थे कि एक और एक 11 होते हैं।